किसान भाइयों नमस्कार। मालवा फार्म में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो हम बना रहे हैं मराठा डेयरी फार्म पे। यहाँ पे कुछ गायें सेल के लिए अवेलेबल है और कुछ गायें सेल होकर महाराष्ट्र के एरिए में जा रही है। गाय की क्वालिटी आप देख सकते हो, 25-30 लीटर दूध वाली गायें अवेलेबल है यहाँ पे सेल के लिए। अगर आपने गायें खरीदनी है तो राजेंद्र भाई का नंबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप बढ़िया ब्रीड की शानदार क्वालिटी की गायें खरीद सकते हो। अगर आपको प्योर क्वालिटी की गायें चाहिए ABS डेनमार्क में, वो भी गायें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको क्रॉस में गायें चाहिए तो वो भी आपको गायें मिल जाएगी। ये देख सकते हो, ये सभी गायें सेल होकर महाराष्ट्र के एरिया में जा रही है। बाकी उधर पीछे गायें खड़ी है और कुछ गायें इनके फार्म पे घर में खड़ी है जो सेल के लिए अवेलेबल है। अगर कोई भी भाई यहाँ से गायें खरीदना चाहता है तो सब गायें आपको चलाकर दिखाएंगे, गायें का रेट और दूध बताएंगे। बाकी क्वालिटी आप देख सकते हो, क्वालिटी आपके बिल्कुल सामने है, बिल्कुल टॉप क्वालिटी की गायें आपको यहां से मिल जाएगी। जैसा रेट लगाओगे वैसी क्वालिटी आपको यहां पे मिल जाएगी। और वीडियो शुरू करने से पहले जो किसान भाई पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास लगी घंटी के बटन को दबा देना। हाँ जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार निर्मल भाई, आपका स्वागत है हमारे फार्म में। धन्यवाद भाई, क्या हाल है जी? जी बहुत बढ़िया। किस एरिया में जा रही है गाय महाराष्ट्र के? ये निर्मल भाई अभी अपना 10 दिन पहले गया था संगम नेर में है A1 डेयरी फार्म, तो उनका ये 9 गाय का लोट जा रहा है दोबारा से फिर। ठीक है जी, क्या एवरेज रेट की गाय है जी? निर्मल भाई इसमें गाय है 20 लीटर से लेके 35 लीटर तक की और एवरेज हो गए 60,000 की एवरेज के हिसाब से ये सभी गाय को लोट बनाया है पिछली बार की तरह। ठीक है जी। हाँ जी, और किसानों का जो रिस्पॉन्स है कमेंट आपके बढ़िया आ रहे हैं, क्या कारण मानोगे आपके किसान बढ़िया प्यार दे रहे हैं आपको? देखो जी, वो तो किसान भाइयों का प्यार है, उनको अगर अच्छे से डीलिंग करेंगे, उनको अच्छी गायें देंगे तो हमें प्यार मिलता रहेगा। अगर उनके साथ धोखा करेंगे तो देखो कमेंट बुरे भी आएंगे फिर, तो अच्छा करेंगे तो अच्छे ही। क्योंकि मैंने आपके कमेंट पढ़े थे ना, जो आपके पुराने कस्टमर हैं जो आपसे खरीद चुके हैं वो आपकी काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। तारीफ आपकी इसीलिए हो रही है क्योंकि बढ़िया गायें दी होगी आपने उसको। निर्मल भाई पता क्या है, अपनी तरफ से बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि सामने वाला गलत हो, बाकी को करने वाला भगवान भी होता है कहीं, मतलब हम तो अपनी तरफ से गायें देते हैं बढ़िया क्वालिटी वाले, बाकी उनकी मैनेजमेंट और करने वाला परमात्मा है, अपनी तरफ से कमी नहीं आने देते कहीं भी, कि अपनी तरफ से कुछ भी गलत नहीं करते। ठीक है जी। और आज की वीडियो में नए जो किसान है आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, मराठा डेयरी फार्म पर जुड़ना चाहते हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहूँ? जी उनको मैसेज ये है कि कोई भी किसान भाई हमसे संपर्क करे, उनको बढ़िया फैसिलिटी मिलेगी, अच्छी एनिमल मिलेगा, और कहीं पे भी हमारी कहीं गलती होगी उसको भी हम सुधारेंगे, और कुछ हमसे कुछ गलती भी हुई हो तो उसके लिए हम एनिमल को अपने किसानों को माफ़ी मांगेंगे अपने किसान भाइयों से कि अगर हमसे कुछ गलती हुई हो। ठीक है, कुछ गायें सेल के लिए अवेलेबल भी है जी आज? हाँ जी निर्मल भाई, सेल के लिए भी इस समय 10 गायें अवेलेबल हैं और ये 10 गायें जा रही हैं सेल होके महाराष्ट्र के लिए A1 डेयरी फार्म के। ठीक है। और थोड़ा सा मैं एक बात जो A1 डेयरी फार्म वाले के बारे में बताना चाहता हूँ, जो हमारे अनीश शेख जी हैं, उनका 2500 लीटर डेली का उनका मिल्क होता है अपने फार्म का, तो उधर भी कोई संगम नेर में कोई किसान भाई है उनसे संपर्क करना चाहते हैं तो उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, हमारे नंबर पर फ़ोन करके हम उनको नंबर दे सकते हैं, तो अनीश शेख जी से भी आप बात कर सकते हैं किसी कस्टमर को कोई दूध का डिमांड है जैसा। ठीक है ना जी भाई साहब। हाँ। अभी कोई गायें चला कर दिखा दो इनमें से ताकि रेट का एस्टिमेट हो जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल। अभी तो राजेंद्र भाई इस गाय का क्या बैकग्राउंड है जो अभी चला कर दिखा रहे हो जी? बिल्कुल भाई, ये सेकेंड बार बच्चा देगी, मुँह से है 6 दांत और फर्स्ट में दूध दिया है जी 32 लीटर। ठीक है जी। फर्स्ट में दूध दिया जिसमें 32 लीटर और जी अभी इसका बच्चा देने का रहता है जी 20 दिन। और अब दूध कितना कर जाएगी जी? दूध तो जैसी बार देना चाहिए 35 किलो, बाकी गर्मी है तो 30 तो कहीं नहीं जाएगा। और सिंगल का प्राइस रहेगा? तो सिंगल का प्राइस तो अकेली कचड़ी 80,000 की है, तो हमने उनको लोट में 60,000 के समझे, लोट के हिसाब से 60,000 का दिया। कोई भी मतलब कस्टमर ऐसा है ना, कई बार कस्टमर बोलते हैं कि वो गाय इतने में दिया, लेकिन ये लोट बन जाता है जी, उसमें कोई 20 लीटर वाली आएगी कोई 35 वाली, तो ये लोट बन जाता है। तो किसान भाइयों आज हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, गाय की क्वालिटी देख सकते हो, जो गाय लोट में जा रही है 60,000 गाय का प्राइस है, अगर सिंगल में लोगे आप गाय तो 80,000 के आसपास में इस गाय का रेट रहेगा। बाकी क्वालिटी देखो गाय की, बिल्कुल नंबर 1 क्वालिटी है, बॉडी की शाइनिंग, गाय की चाल डाल देख सकते हो बिल्कुल आपके सामने है, इसे नंबर 1 गाय कह सकते हैं। और जितना राजेंद्र भाई दूध बोल रहे हैं उतना दूध देना कोई मुश्किल नहीं है, अभी गाय काफ़ी कच्ची पड़ी है तो इसीलिए ऑर्डर आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा, क्योंकि महाराष्ट्र का जो सफ़र है काफ़ी हो जाता है, ज़्यादातर वहाँ पर जो कच्ची गायें जाती है
तो इसीलिए अडर से जज नहीं कर सकते, लेकिन जिन भाइयों को ब्रीड के बारे में पता है वो ब्रीड को देखकर एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितना दूध देगी गाय। ये गाय भी महाराष्ट्र जा रही है जी? ये भी महाराष्ट्र जा रही है जी। कौन से लैक्टेशन में है? लैक्टेशन इसका सेकंड है जी। ठीक है जी। और फर्स्ट में दूध दे रखा है जी इसने 28 लीटर। और प्राइस वही? प्राइस ये भी 60,000 की है। और सिंगल का प्राइस क्या रहेगा इसका? सिंगल का प्राइस तो जी 75,000 की बछड़ी है अभी आपके सामने, अभी तो मतलब अभी दिन लेगी जाने का, भी देखो कम से कम अभी और दिन ले जाएगी, 10 दिन और लेगी, बहुत नीचे से बहुत बनेगी। एक जो कच्ची गायें भेजते हो आप, हाँ जी, तो क्या रीज़न रहता है? थोड़ा सा किसान भाइयों को एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि आपका तो ये काम है, हाँ। तो आपको पता है क्यों कच्ची गायें जाती है? कच्ची गायें का निर्मल भाई, तो पता है क्या है, गर्मी का मौसम है, सफ़र है लंबा, कच्ची गायें मतलब कि जैसे एक तो अपने वहाँ पे जाके घर पहुँच के बच्चा दे देगी आराम से, सेट होके उनके वातावरण में सेट होके बच्चा देती है, वहाँ के मौसम में ढल जाती है, तो एक तो ये बेनिफिट है कि कच्ची गायें वहाँ पे उसको ट्रैवलिंग में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हम जैसे मिल्किंग वाली गायें भेजेंगे ना तो उसको स्टैटिक की प्रॉब्लम का खतरा रहता है, मिल्क फेवर हो जाता है, मतलब कई बार गायें बैठ भी जाती है गाड़ी में, तो इसलिए कच्ची गायें भेजते हैं कि ये वहाँ पे ये सफ़र को सहन कर लेती है, मजबूत रहती है, और घर पे पहुँच के 15-20 दिन ढल के बच्चा देती है ना, तो अपना पूरा ऑर्डर तैयार करके बच्चा देती है। चला दो भाई गायें को, चला। तो किसान भाई ये गायें भी महाराष्ट्र जा रही है, 75,000 सिंगल गायें का रेट है, लेकिन लॉट में वही 60,000 गायें का प्राइस आ जाएगा। और दूध आपको भाई साहब ने बता दिया, सेकेंड लैक्टेशन की गायें हैं, गायें अभी काफ़ी दिन कच्ची पड़ी है, 15 दिन के आसपास में गायें ले जाएगी। गायें की बॉडी क्वालिटी आप देख सकते हो आपके बिल्कुल सामने है, महाराष्ट्र का ज़्यादा ऑर्डर आ रहा है मराठा डेयरी फार्म को। और नीचे आप कमेंट पढ़ सकते हो, इनके जो कमेंट है सभी पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि काम बढ़िया कर रहे हैं, जो इनके कस्टमर हैं इनसे गायें खरीद चुके हैं वो भी अपनी वीडियो के नीचे मालवा फार्म के चैनल पर जो इनकी वीडियो आती है वहाँ पर कमेंट करते हैं, लगभग 101% पॉजिटिव रिस्पांस मराठा डेयरी फार्म को मिल रहा है। आप बेफिक्रे होकर यहां से गायें खरीद सकते हो, बढ़िया क्वालिटी की गायें यहां से मिल जाएगी। ये गायें कौन से लैक्टेशन में है भाई साहब? भाई ये भी सेकंड लैक्टेशन में है, और 6 दांत है मुँह से, और अभी बच्चा देने का इसका 15 दिन रहता है, और दूध इसने देखो क्या है ना, किसान कोई बोलने वाला मतलब सामने बोलते ना कोई ना कोई कमेंट में बोलेगा महंगी भी है इतना दूध नहीं देगी, बट 28-29 लीटर इसका फर्स्ट का रिकॉर्ड है। तो अब कितना करेगी जी? अभी 30+ जाना चाहिए जी, मतलब कि बोलने 35 बोलते लेकिन जैसा गर्मी का मौसम है तो 30 का हम इसका सोच रहे हैं कि 30 तक चली जाए। और सीमन की कोई है डिटेल आपके पास जी? देखो सीमन की कोई डिटेल नहीं, मैं झूठ बोल दूँ इसको तो फलाना डेनमार्क 40-16 ये 120 ऐसा कुछ नहीं है, मुझे उसके बारे में पता नहीं है जी, फार्म से आई है, बोल रहा था उन्हें ABS का लगा हुआ लेकिन ये नहीं पता क्या लगा हुआ, ठीक है, उसके बारे में कुछ भी उसकी वो नहीं बोल सकते। चला दो जी गाय को। निर्मल भाई हम आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को कहना चाहते हैं कि कुछ किसान भाई बोलते हैं कि सेल हुई गाय का क्या दिखाना, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि मेरे फार्म पे हर समय 15-20 गायें रहती हैं, और ये जो आप गायें देख रहे हो ना ये मैंने बाहर से नहीं खरीद के दी, ये खुद के फार्म से दी है, अपने घर की तैयार की हुई है। नहीं नहीं घर की तैयार नहीं की हुई, मतलब कि हमने अपने फार्म पे ऐसी गायें क्वालिटी वाली रखते हैं हर समय, ठीक है, 15-20 गायें हर समय रहती है, अगर ये लोड चला गया इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास अगला नहीं, हमारे पास इससे सेम ऐसी क्वालिटी से बढ़िया क्वालिटी हर समय अवेलेबल रहती है। मोस्टली कितनी गायें अवेलेबल रहती है? अगर कोई कस्टमर का ऑर्डर आ गया और ये गायें बिक गई, उन्हें कहा आपको वीडियो कॉल पे गायें दिखाने के लिए, तो कितनी गायें अवेलेबल रहेगी हमारे पास हर समय? अगर हमारा 10 गायें लौट गए तो 10 गायें उससे नेक्स्ट टाइम हर समय अवेलेबल रहती, 10 से 15 गायें फिर दोबारा अवेलेबल रहती, मतलब कभी फार्म खाली नहीं होता? नहीं जी खाली नहीं होने देते, हर समय 10-15 गायें अवेलेबल रखनी है। राजेंद्र भाई साहब इस गाय का क्या बैकग्राउंड है? निर्मल भाई ये 4 दांत है जी, फर्स्ट टाइम की है, ठीक है जी। हाँ जी ABS के देखो जी मालिक ने स्ट्राइकर का बोला है, देखो हम तो इसके बारे में कुछ ऐसा बोल नहीं सकते भी, क्योंकि हमने तो नई सीमन यूज़ किया, मालिक ने जो हमें फार्मर से लिया ना स्ट्राइकर का बोला है, और बच्चा देने का भी इसका 20 से 25 दिन बाकी है, और फर्स्ट में ये बछड़ी 25 लीटर तक जाएगी। प्राइस इसका जी? प्राइस ये भी जी सेम है 60,000 की है। सिंगल में प्राइस इसका क्या रहेगा? सिंगल में देखो जी जैसी बछड़ी है मतलब कि 70 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, और तैयारी भी ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है जी। हाँ जी इसकी जैसे हाइट है मतलब कि क्वालिटी बिल्कुल चौड़े पुट्ठे की, उसी हिसाब से रेट का तो उसकी जैसे तैयारी पर आएगी उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते ज़्यादा कैसा कितना हो सकता है। चलाओ जी गाय। मेरे भाई ये 4 दांत है जी बछड़ी, ठीक है जी। बच्चा देने का इसका रहता है 30 से 25 दिन, और जी हाइट लेंथ आप देख रहे हो फर्स्ट टाइम बच्ची का हाइट लेंथ हाइट काफ़ी शानदार है भाई साहब से ऊपर जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ABS के स्ट्राइकर का जो हमारे फार्मर ने इसको बताया ABS के स्ट्राइकर का 10 फार्मर ने खरीदा इसको, और ये भी हमने उनको 60,000 के लोट में दिया है, अगर अकेली हो तो 75 के प्लस ही जाएगी, ठीक है जी। तो किसान भाइयों आप बछड़ी की क्वालिटी देख सकते हो और अडर की ग्रोथ देख सकते हो, और सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है ब्रीड में हाइट
और बॉडी की लेंथ आपके बिल्कुल सामने है, बड़ी ही शानदार क्वालिटी की बछड़ियाँ हैं। अगर ऐसी बछड़ियाँ आप तैयार करोगे तो आपको फार्म में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि किसान भाई होते हैं बछड़ियों में कम ध्यान देते हैं, ब्रीड में कम ध्यान देते हैं, ज़्यादातर गायें खरीद लेते हैं। अगर ब्रीड तैयार करोगे खुद की तो भी आपको जो फार्म में है काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। किसान भाइयों, आपने ये हमारी फोर सेल जो गायें हमारी सेल हो गई महाराष्ट्र जारी आप ये देख चुके हो, और इससे अलग हमारे पास 10 से 15 गायें फोर सेल के लिए हमारे पास दूसरे शेड में अवेलेबल हैं। तो कोई भी किसान भाई ऑनलाइन या ऑफलाइन हमसे गायें खरीदना चाहते हैं तो वो बेझिझक होकर हमसे संपर्क करें, किसी प्रकार की कोई भी उनको दिक्कत नहीं आएगी, रहना खाना पीना सब प्रकार की फैसिलिटी मिलेगी, कोई भी किसान भाई हमसे संपर्क कर सकता है। किसान भाइयों, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।